चंबा के लोगों को सुविधा प्रदान करने व वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से चंबा में राइड विद प्राइड मोबाइल इलेक्ट्रिक वैन की सेवा को शुरू किया गया। इस दौरान विधायक चंबा सदर पवन नैयर ने चंबा भरमौर चौक पर इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का चंबा में शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने इस वैन में बैठकर चंबा शहर का दौरा भी किया। इस मोबाइल इलेक्ट्रिक वैन सेवा राइड विद प्राइड के बारे में जानकारी देते हुए आरएम चंबा ने बताया कि शुरुआती तौर पर इस मोबाइल वैन सेवा को चंबा अस्पताल से भरमौर जीरो पॉइंट के बीच शुरू किया गया है ताकि अस्पताल आने जाने वाले यात्रियों व मरीजों का इसका लाभ मिल सके। मैं फायदे का से ज्यादा जो है एनवायरमेंटली ट्रेंड है, एनवायरमेंटली ये गाड़ी बहुत सेफ है और अभी उसमें देखते अभी मैं उसको चलाया हुआ है क्या आउटपुट निकलती है तो कितना फायदा रहेगा, लेकिन आम जनता के लिए फायदा है कि जीरो पॉइंट से लेके हॉस्पिटल तक के लिए मोस्टली जो भी गाड़ियाँ आती हैं बस स्टैंड में आजकल रुका हुआ गाड़ियाँ आने के लिए तो लोगों को आज आने जाने की बड़ी बहुत ज़्यादा असुविधा हॉस्पिटल तक के लिए, तो उस चीज़ के लिए वहाँ से जीरो पॉइंट से इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को रहेगा जो हॉस्पिटल में मरीज बीमार लोग जा रहे हैं उसके लिए। इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 7+1 है, 7 सवारी और एक ड्राइवर, और चार्जिंग का है इसमें फुल चार्ज करने के ऊपर 100% चार्ज करने के ऊपर ये गाड़ी 80 किलोमीटर के आसपास एक दिन में निकाल लेती है। किराया इसका मिनिमम 10 रुपये। इस दौरान बोलते हुए विधायक पवन नैयर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 90% व राज्य सरकार द्वारा 10% राशि का सहयोग किया जा रहा है ताकि लोगों का सफर आसान हो सके और प्रदूषण भी कम हो। उन्होंने कहा कि अभी तो चंबा में सिर्फ एक मोबाइल इलेक्ट्रिक वैन को शुरू किया गया है, लेकिन वह प्रदेश सरकार से मांग करेगी कि कुछ और इस प्रकार की मोबाइल वैन चंबा में शुरू की जाए ताकि लोग आसान दरों व प्रदूषण मुक्त यात्रा चंबा वासी कर पाए। आज चंबा में पहली इलेक्ट्रिक वैन का आज मैंने इसका हरी झंडी बताई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आजकल दिन पर दिन जो है पर्यावरण जो है गाड़ियों की वजह से पर्यावरण खराब हो रहा है, इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक वैन का इन्होंने हर एक स्टेट में जो है इन्होंने इसकी योजना बनाई हुई है, और इसके ये एक बड़ा फायदा है कि इसके 90% जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और स्टेटों में सिर्फ 10% है, तो इसे आज पूरे हिमाचल में जो है ऐसी इलेक्ट्रिक जो वैन है वो चली हुई है। ये हमारी इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को और जो हमारे हिमाचल के जयराम ठाकुर जी है मुख्यमंत्री, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि और मैं एक और उनसे रिक्वेस्ट कि चंबा में हमें 3-4 इलेक्ट्रिक वैन और चाहिए। मैंने अभी जो है मंत्री जी से बात की है तो इससे चंबा के लोगों को, क्योंकि बड़े दिनों से डिमांड थी 0 पॉइंट से जो है शहर के लिए गाड़ी लगनी चाहिए, तो ये जो गाड़ी है इसका 10 रुपये किराया होगा और इससे चंबा में लोड भी कम होगा और पर्यावरण को भी इससे हमें फायदा मिलेगा। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।